हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको शाही लज्जत में बताने जा रहे हैं हरे मसाले के पाए, लेकिन मेरी तरीके से, ठीक है। पाए में हमको ज़्यादा तेल नहीं डालना है, हम 2 से 3 टेबलस्पून खाली ऑयल डालेंगे, क्योंकि पाए में खुद ब खुद बहुत ज़्यादा चिकनास होती है। हम हरे मसाले के पाए के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 डज़न पाया है, तो मैंने हरी मिर्ची ली हूँ। अपने हस्बैंड ज़रूर, आपके घर में जितना तेज़ खाते हैं आप उसको हिसाब से हरी मिर्ची लेंगे। मैंने 10 से 12 कड़ी पत्ते ली हूँ। एक अखा पॉट जो आता है लहसुन का, वो पूरा बड़ा वाला ली हूँ। 15 से 20 पुदीने के पत्ते ली हूँ, और सबसे ज़्यादा हरा धनिया ली हूँ। कम से कम ये 7 to 8 टेबल स्पून रहेगा, ठीक है। तो हम इसको धोएंगे पहले, और उसके बाद इसका एक मसाला तैयार करेंगे, और उसमें 1 चम्मच नमक डालकर हम तैयार करेंगे। हम तेल अच्छा गर्म हो चुका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच शाहजीरा डालें इसमें, और 2 बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे, एकदम बारीक। मैंने चॉपर में काट लियो वो प्याज हम डालेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छा गोल्डन होने देंगे, इसके बाद आगे आपको बताएंगे। ये देखो, ये हमारे 1 डज़न पाए, ठीक है। हमने इसको अच्छे से धोकर रखे। अब ये प्याज इधर अच्छे से गोल्डन कलर की हो गई है, तो इसमें हम 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें अलग से गार्लिक भी पीस के डाल रहे हैं हरे मसाले में, तो इसके लिए 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, और इसको अच्छे से भूनेंगे। 2-3 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। देखो, अच्छे से हमने भून लिया इसको। अभी जो हमने हरा मसाला आपको बताया था, वो हमने हम इसमें के अंदर डाल देंगे, और थोड़ा मिक्सर धोकर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, उसको अच्छे से भूनेंगे। इसमें अभी हम थोड़े सूखे मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून हल्दी डाल देंगे, 2 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 2 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे, ठीक है। अच्छे से मसाला भुने गया, हमने अच्छा मसाला भून लिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम पाए डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और सारे पाए डाल के थोड़ा हम भुनेंगे इसको, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर हमने गर्म पानी रखे, हम ठंडा पानी नहीं डालेंगे, ठीक है, पाए के अंदर, क्योंकि गर्म पानी से जल्द बॉईल भी आ जाएगा, और हमारे पाए भी अच्छे से गल जाएंगे। ये देखो, मैंने गर्म पानी डाल दी, आप इन्हें इतना डाली कि पाए पूरे थोड़े अच्छे से डीप हो जाए, ये देखो ना। और अभी हम इसको कुकर को बंद कर देंगे। पहले मैं कम से कम 1/2 घंटे के लिए कुकर को एकदम लो फ्लेम पर रखूँगी, ताकि अच्छे से पाए गल जाए थोड़े, और फिर उसके बाद 7 से 8 बड़े बड़े पाए, आप देखो बहुत बड़े बड़े पाए, तो मेरे को 7 से 8 सीटी लेना पड़ेंगी। अभी आपको अपने हिसाब से देखना है कि पाए अगर छोटे हैं तो कम सीटी लेना है। मैं फिर भी 7-8 सीटी लेकर फिर देखूंगी कि पाए गले या नहीं, और उसके बाद फिर से और कुकर का कवर बंद कर दूँगी। अभी हम इसको कवर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने बोली वैसे लो फ्लेम पर हमको रखना है, और इसको बाद में हम सीटी बजाकर खोल कर देखेंगे, और उसके बाद आपको बताएंगे क्या कितने गले हुए हमारे पाए। अभी हम कुकर खोल रहे हैं, देखो, हाँ देखो कितना जोश बॉईल आ रहा है। अभी मैंने कुकर तो बंद करी हूँ, यानी गैस को ऑफ कर दी हूँ, लेकिन फिर भी कितना जोश आ रहा है, आप देख रहे हैं। और हमारा पाया रेडी हो चुका है। अभी इसको हमको कुछ भी नहीं करना है, बस इसको अभी हमको सर्व करना है। और जो न्यू कमर है मेरे चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को हिट कीजिए, और वाकई में मेरा चैनल अच्छा है तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को मेरे चैनल के बारे में बताइए। देखो, ये हरे मसाले का पाया, हम देखें मैंने कितना कम तेल डाली थी, लेकिन कितनी सारी तरी छुट्टी हुई है इसके अंदर, जो तेल होता है कितना ज़्यादा है, क्योंकि मस्त मोटे मोटे पाए थे ना हमारे, तो इसके लिए बहुत अच्छे से ये बन चुके हैं। आप लोग भी ज़रूर बनाएं, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। अल्लाह हाफिज़।